Esther. Hi guys, I'm Binyam. I'm affected to the project a hand drinking device. इसके पास हाथ नहीं है वो खाने बनाने के लिए और जो हर चीज जो है जो पॉलिसी में सिस्टम है उसके लिए बनाए हुए हैं. तो आप देख सकते हैं कि जिसके पास हाथ नहीं होते वो अभी से डिपेंडेंट रहते हैं. तो इससे उसको इंडिपेंडेंट के लिए मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया है. इससे आप बना सकते हैं चाय और इससे बना सकते हैं खाना और फिर अपने बच्चे के लिए बना के रख सकते हैं. तो फिर हैंड ड्रिंकिंग डिवाइस और तीनों भी हैंड ड्रिंकिंग डिवाइस एक्चुअली इसको मैंने अपने पापा के नाम पे रखे हैं और कुछ वर्क होंगे इसके बाद इससे जो जो इसके पास हाथ है वो अपने बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. चाय बना के सब पेड़ से कंट्रोल किया जाएगा और हम लोग फर्दर इंटेंशन है कि इसको कोडिंग करके उसके बाद ऐप डेवलप करके इसको मोबाइल से कंट्रोल किया जा सके जो कि आर्डिनो से हम लोग करना पाएंगे. और यही बात. और दूसरे आप देख सकते हैं ये है रियली फिट जनरेटर फैन और ये आप देखते होंगे जो कि हम लोग स्कूल में या फिर घर में हर घर में कैसे कर लगभग 3 या 4 फैन होते हैं. तो फिर वो एनर्जी बहुत कंज्यूम करते हैं. तो फिर उसी के साथ कहीं ना कहीं कभी कभार अपने बच्चे लोग होते हैं कि रूम के फैन ऑफ करने में भूल जाते हैं. तो उसमें उन लोग को मालूम नहीं होता कितना एनर्जी वेस्ट कर रहा है. तो उसी साथ जब ये छोटा भी बस ये जब ये मेन फैन है जो जब घूमेगा तो ये मैं और एक डायनोमो लगाया हुआ है. तो वो जो जब ये घुमाएगा इसको भी घुमाएगा तो री इलेक्ट्रिक जनरेट होगा. तो जब री इलेक्ट्रिक जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फॉर्म इसको अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में अगर मीटर सिस्टम होते हैं मीटर सिस्टम जो आप महीना में कितना यूज़ करते हैं उतना एक उसमें आपको पैसा देना पड़ता है. तो फिर अभी आप इसको जब करेंगे जो ऐसे इलेक्ट्रिक जनरेट होगा तो इसको बैटरी चार्ज या वगैरह चार्ज के लिए जो अलग सोर्स है उसको आप चार्ज कर लिए. तो जो आप चोरी छुपे आप छुड़ा रहा है इससे इलेक्ट्रिक तो उससे वो जो आप इलेक्ट्रिक जनरेट किया वो आपके मीटर सिस्टम में ऐड नहीं होंगे. तो उसी के साथ आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपके इलेक्ट्रिक भी कंजर्वेशन भी हो जाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है जो हम लोग स्टेट में क्योंकि बहुत इसके बहुत कमी है. यही रहेगा. धन्यवाद. मास्क खोल के बता आवाज. अगर आपके बीजी में बैठे हैं तो फिर जब मस्ती और देख देखते और मास्क निकालते हैं तो फर्स्ट उनका निकल सकता है. हेल्थ इफेक्ट होता है. इसी तरह इसमें इंडिया में इंडिया का जो कुछ में कुछ में इफेक्ट होता है. तो फिर इसी तरह इसमें मैंने बनाए हैं हेल्थ आई एम डिवाइस. अगर फॉर एग्जांपल एक माँ है बच्चे हैं और बच्चे स्कूल गए तो बच्चे भी पढ़ना और वो बच्चे को कहना कहना कि नहीं रख पाएंगे और इसके बाद उसको अफसोस रहता है और कहीं ना कहीं उससे रिजल्ट होते हैं सुसाइड क्योंकि वे सोचते हैं कि हम जी के कुछ नहीं कर पा रहे हैं. तो उसी समस्या के लिए मैंने ये समाधान नहीं किया. अगर अगर इसको यूज़ करते हैं तो फिर इसके पास हाथ नहीं वो अपने बच्चे के लिए खाना बना के बच्चे को भी करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यभी बनाए मैंने डिफरेंट चैम्बर्स यभी सब चीज चैम्बर्स हैं जो किचन में रिकॉर्ड मटेरियल्स हैं उसको भी मैंने बनाए थे. पहले तो ये कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट इधर से इम्पोर्टेंट रहते हैं और इसके लिए मैंने बनाया वाटर जो वाटर यानी पानी नहीं जो इम्पोर्टेंट है. इसके बाद जो राइस इसके बाद सर और ये वेजिटेबल फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अभी हमको अभी करते हैं वेजिटेबल मेरे पास मेरे पास आइडिया यस एंड इटली आई व्हाट ऑलरेडी इंडिकेशन से हमारे बाबू आई नीड टू चला देखो इंडिकेशन भी लेकर देंगे. Thank you.
लोग समर सीजन में टूटू पर प्लेन चलते हैं, सब इसमें समस्या यही होती है और कभी कभी स्टूडेंट अपने रूम के बेड ऑफ करने भी भूल जाते हैं, इसमें एनर्जी लॉस होती है। ये है घर का मेन कुछ मेन है, ये कुछ सब है जो अभी मैंने लगाई है, ये जब घूमेंगे तो इसको भी घुमाएंगे तो इसे रीइरिटेशन होंगे। तो अभी इसमें इसका फायदा क्या होता है, घर में मीटर सिस्टम होता है, आपके एक महीने में कितनी यूनिट देना पड़ता है, और अगर यहाँ से हम इन्वर्टर और जो इलेक्ट्रिक गैजेट चार्ज करेंगे तो आपको बिल में ओवर रेटिंग नहीं आएंगे, क्योंकि आप यहाँ से नहीं करें चुरी चुके हम एनर्जी प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हम इसकी जनरेट करें कि नहीं करें उसको हमको मालूम चलेंगे, ये सब कहीं मैंने इसको किया तो फिर अभी ये फिर यस मैम, यस मैम, यू कैन सर्च इन यूट्यूब पर सर्च करके इसको ऑनलाइन फाइंड इसलिए मैंने आइडिया बुझ करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अभी एल सी जनरेट होगा तो एल ई डी चलेगा, एल ई डी नहीं कर सकता ग्लो नहीं करेगा, मतलब ये लोग ही करते हैं।
हेलो गाइस, हाय कर, हाय कर दो, हाय हाय कर दो, हाय कर दो, हेलो, हाय गाइस, हेलो ये क्या है, एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, कौन सा क्लास का है ये? ट्वेल्थ साइंस। कौन सा सेक्शन? साइंस। एक ही सेक्शन है ना? अच्छा, ये क्या है? डील है, लॉन्च। अच्छा, हेलो, क्या है, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। वायरलेस पावर ट्रांसफर है ना, वाईफाई है सब में ना। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो कॉइल है। इसमें जो पावर सप्लाई देगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो इसमें इंड्यूस हो रही है, और इसमें इंड्यूस हो रही थी एलईडी चल रही है बिना किसी कनेक्शन में चले। ये लैपटॉप से चल रहा है तो लैपटॉप के साथ काम में सोनार चल रहा है सामने आने से पता चल रहा है। कितना दूर है वो भी दिखाते ना। ये है बीबैक ऑफ राइज। हेलो, हाय, ये क्या है बताइए तो थोड़ा सा। यादों के लिए रहेगा आप लोगों का, आप लोग बीकेवी से जानेंगे बाद में, मेरे पास रहेगा ये। हाँ, यूट्यूब में डालेगा, डाल सकते हैं ना। ये क्या है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। एक्सीडेंट प्रिवेंशन रोड सेफ्टी मॉडल। चेहरा नहीं उतारे, चेहरा नहीं उतारे भैया। एक्सीडेंट प्रिवेंशन इसके बारे में बताएगा। अच्छा, बताइए थोड़ा सा बताइए। ऐसे लेके जाएगा। हेलो, हाय कर दो, हाय बाय बाय। यो भैया, हाय हाय कर दो। हेलो, प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। हेलो, हेलो विद्या, हेलो, ये कौन सा क्लास है? 10B। 10B क्लास मेंशन नहीं किया ना। हाय, हेलो, हाय, हेलो, हाय, ये क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे थोड़ा। Also, this is made from recycled material. Which class? 10A. Okay. Thank you. Hi. ये क्या है थोड़ा सा? अच्छा। पानी से चलता है। Thank you. न्यूटन स्पेस। न्यूटन स्पेस। यार ये एडिट कर दो आज के बाद।
होगा। हेलो भैया, मैंने तो टॉपिक का नाम आप, हम लोग का टॉपिक का नाम आवर एनवायरनमेंट। अच्छा, एनवायरनमेंटल क्विज क्लास। क्लास क्या है? क्लास क्लास अच्छा, क्लास वाइज हो रहा है ना? अच्छा नहीं भैया, क्लास वाइज नहीं, ये तो बस मार्क्स दे देंगे। हां, ये क्या है? आर्ट के डिटेक्टर है, कोई जो आर्ट नहीं आएगा, ये बता देगा आर्ट नहीं आए हैं। अच्छा, आर्ट नहीं आएगा कैसे चलता है? आर्ट के तो ये साउंड करेगा, तब हमें पता चले कि आर्ट सही हो रहा है, तो हम बोले आर्ट के गए। ये क्या है, कैसे चलता है? ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है। अच्छा, हम इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड। देखो देखो, ये कौन सा क्लास का है? क्लास 10। क्लास 10 सेक्शन सेक्शन अच्छी का है, मिलो मिलो अच्छी का है। इसको गड़बड़ है, इतना बड़ा बंदूक ये क्या है? प्लेन टू। अच्छा, क्या है? प्लेन टू। अच्छा, हेलो, हाय कर दो, हाय। ये क्या है? सर, ये सस्टेनेबल 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 फोकस कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आपका सोर्स क्या है? हेलो, हाय कर दो, हाय लोग, हाय कर दो, हाय। ये मेरा है सर, आप जो देख रहे हैं ना, ये प्रो मैंने बनाया है, खुद बनाया है। हाय भाई लोग, क्या चल रहा है यहाँ मेरे भाई? हाय खुशी, हाय खुशी, ये क्या है? ये क्या है थोड़ा? हाँ, आ रहे, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हम बता दो थोड़ा सा। भैया, ये पीरियोडिक टेबल है, ये केमिस्ट्री में यूज होता है, ये जो एलिमेंट एलिमेंट का बारे में है, ये जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज होता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ये पैकेट में क्या है? उसके साथ क्या मिक्स करो? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। देखिए बीकेबी ईटानगर स्टूडेंट का कमाल देखिए कैसा है। कौन सा क्लास का है आप? 10C। अच्छा, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। मालिक की है? नहीं, ये तो एक्सप्लेन हो गया, वो वाला क्या है जी? बता ही दीजिए, ये नहीं ना भैया, वो वाला क्या है? ये जी, ये फ्री इलेक्ट्रिक जनरेटर पे आप तो आप इधर में जो इलेक्ट्रिक है ना, तो इसी में क्या है कि बहुत अच्छे लोग आते हैं, इनके सब ये ना प्रोजेक्ट में घुस जाते हैं जी। हाई स्कूल में लगभग हर क्लास हाई स्कूल में लेते हैं। हाई मतलब ये हम लोग का जो आर्डिनो है, आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर का एक अलग माइक्रो कंट्रोलर में एक लेवल है जिसमें कोडिंग किया जाता है प्रोग्रामिंग। क्योंकि हाई में जैसे हम बोले अभी इधर पे प्रोजेक्ट का नाम हाई हाई हम लोग यहाँ पे तब चला हाई आने हम लोग में तब चला जाता है जब इसको लो करना हो, हाई का जगह में 1 भी यूज कर सकते। फिर हम जैसे कि यहाँ पे जब लो बोल रहा है तो लो में लो तब डाला जाता है जब आप उसको बंद कर लो का जगह उसको जीरो पे जा सकते हैं। तो मेन प्रोजेक्ट का तो वही है कि हाई लो लाइट ऑन ऑन एट ऑल। उसके बाद यहाँ पे जो डाटा यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे लैंग्वेज बोला था माइक्रो कंट्रोलर का आर्डिनो यहाँ में डाटा कमा माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर के डाटा को यहाँ में डाटा को रन करते हो, यहाँ में ऐसा डिजाइन फोन कर सकते हो, उसमें आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, अपना हिसाब से डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो, अपना हिसाब से किसी भी
एक पर्टिकुलर अपनी डेली डे एक पर्टिकुलर डेली डे का आप टाइम उसका ग्लो होने का उसका टाइम को भी चेंज कर सकते अपने हिसाब से मैनेज कर सकते बस आपने कोचिंग करने आना पड़ा प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं बस सीखने का मन होना चाहिए। सर क्या तुम लोग ये मेरा सब्सक्राइबर है ये लोग देखिए भाई इधर आइए ना भाई आप लोग मेरा सब्सक्राइबर है ना दीजिए भाई पुश करना है पुश करने से क्या होता है वाह दिस इज गोल वेंडिंग मशीन भाई ज्योति आप लोग क्या बनाए ये रेन मटर अच्छा ये क्या है पेंडुलम अब इसे ऐसे करते हैं इसको क्या बोलते हैं ये इसको न्यूटन्स ग्रेविटी भी बोलते हैं हाँ हम लोग पेंडुलम थर्ड लॉ ये क्या है ये वोल्केनो वोल्केनो इसमें वो हो जाता है ना हाँ इरप्शन ये
ये क्या है, जेरोक्स मशीन है क्या है? ये पानी में जो कचरा होता है ना भैया, उसको साफ करना, साफ करना, जेरोक्स मशीन। घूम रहा था तो इसलिए पूछ लिया। ये कचरा सामने है, तू इसको उठा के यहां लाएगा भैया। अच्छा अच्छा, आप लोग क्या बनाइए? ये अर्थक्वेक डिटेक्टर है, ये सर्किट है ना, इनको मेरे से अर्थक्वेक है ना, हियरिंग जैसे इसको टच करेगा। और हिलने से मतलब टच होने से ये हो जाता है, उसको पानी से हिलेगा ना। अच्छा, ये क्या बनाया आप लोग? मेरा प्रोजेक्ट जैसे है ना कि मतलब जब हम लोग सोयल सेंसर को सूखा मिट्टी मिला देगा, मतलब सब कुछ कनेक्ट कर देगा ना, तो मिट्टी सूखा है इसलिए मोटर का पानी बना रहे, जब इसका वजह से जो मिट्टी जब गीला होना शुरू होगा, अभी तो नहीं डाल सकते ना, प्रॉब्लम होगा, इधर का मिट्टी गीला करके रखा है, जब गीला मिट्टी में जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अच्छा, गीला मिट्टी में बंद हो जाता है, रुक जाता है, फिर जब ये सूखा मिट्टी में जाएगा फिर चलेगा, फिर गीला मिट्टी में जाएगा, ये पानी भी सेव होगा और मिट्टी भी सूखा नहीं रह जाएगा। अब तो क्या बना है ये? भैया ये प्रोजेक्टर है। क्या प्रोजेक्ट है? ये क्या है? ये पानी से ना, ये थ्रेड से ये प्लांट्स को ऑटोमेटिकली तो ये एक सोलर कार है ना, जब धूप ग्रहण में आएगा तो मैंने ये पहले उसको कारण से बैटरी को बैटरी जो चार्ज होगा ना, तो उसी से मैंने ये चलेगा, ये इसमें चार्ज ही नहीं है शायद। नहीं चल रहा, चल साक्षी एक्सप्लेन। तो ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन बंगाली में, बंगाली में इंग्लिश में, इंग्लिश। सो दिस इज अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट इज ओजोन लेयर। So now I would like to talk about what is ozone layer depletion. So when chlorine and bromine atoms come in contact with ozone molecules, they destroy the ozone molecules, which cause ozone layer depletion. So the main causes of ozone layer depletion are CFCs, HCFCs, and nowadays there are so many weather changes that this is one of the causes of ozone layer depletion. You should take some measures, like you should not use CFC products, you should use CFC-free products, you should reduce pollution, you should avoid smoking, and you should avoid vehicles, because vehicles also produce pollution. And if there is no ozone net, then there are so many effects, like there will be increase of UV rays in the atmosphere, and there will be blood, rods, etc. Thank you. Bye bye. Thank you, bye. Bande Mataram.